का जो है शुभम को किसी ने वन में बैठा लिया है। अब यू देखो भैया, दिन दहाड़े शुभम वर्मा को उठा लेगा। कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र रास्ते से लापता हो गया भैया। वैन सवार कुछ लोग आते हैं भैया और अचानक से पीछे से पकड़ करके बेचारे शुभम वर्मा को उठा ले जाते हैं। वो कक्षा 8 में पढ़ा था भैया, 14 साल उम्र है उसकी। फोटो सामने है आपके। मामा तपदेश बाराबंकी जिले के नगर कोतारी के सुखलाई के पास का बताया जरा, जहाँ पर देख लो बेचारे विनोद वर्मा जो की भट्टे पर काम करते बहुत परेशान हो गए। इनके लड़के ने सूचना दी की देखो पापा, छोटा वाला भाई लापता हो गया है। रास्ते से उसको पता नहीं कौन से वैन सवार आते बदमाश उठा ले जाते हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं, परिजन होना का था। मौके पर पुलिस आती है, जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब शुभम वर्मा भैया श्री साई स्कूल में पढ़ता है। जो बगदा सुखलई के पास स्कूल नहीं है, वही स्कूल में पढ़ाई करता था और रास्ते से लापता हो गया। अब तो बच्चों को भैया अकेले स्कूल भेजने से पहले तनिक सावधान हो जाओ। क्या हुआ आपके भाई के साथ, कैसे क्या हुआ, पूरा मामला बताएंगे आप? हम आ रहे थे, वो टॉयलेट करने उतरे साइकिल पर से, थोड़ी दूर आगे गए, बस हम साइकिल पर खड़े थे, वो वैन आई पीछे से, उनका बैग खींच कर बैठा ली, चले गए। कुछ नंबर नंबर बेटा ध्यान दिया था? UP 32 EQ और आगे नहीं देखे थे। क्या क्या लगता है, मतलब कुछ उन्होंने कहा आपसे, कोई बातचीत? कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, इससे पहले कभी आपने गाड़ी देखी थी? नहीं, पहली बार देखी। ये गाड़ी पहली बार देखी? हाँ। बात क्या किए? हम थोड़ी देर पीछा किए, उसके बाद गाड़ी को नहीं पकड़ पाए, घर को गए, उसके दादा को होता है। बेचारे दोनों मासूम बच्चे भैया टॉयलेट करने के लिए रुकते हैं, इतने भैया पीछे से वैन वाला आता उठा ले जाता है। बताओ भैया बेचारे बहुत परेशान है, पीछा भी करने का प्रयास करता है। जितना भैया गाड़ी का नंबर प्लेट याद था, नंबर याद था, वो बता रहा था छोटा मासूम बच्चा। बातें तो आपने सुने नहीं भैया, परिजन बहुत परेशान है, पुलिस से बहुत उम्मीद लगा रखे हैं। बेचारे विनय वर्मा की बात सुनो, जो भट्टे पर काम करते हैं और जिनका लड़का लापता हो गया रास्ते से। मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है, मैं बच्चे हमारे और भाई कहीं रहते हैं डिवाइन ग्रीन सिटी मखदूमपुर बाराबंकी में। मैं मूल निवास दुलारपुरवा मजरे मंगरौंडा थाना राम सनीघाट बाराबंकी में रहता हूँ। सुबह लगभग 7:15 बजे बच्चे हमारे घर से निकले थे शाही इंटर कॉलेज सुफलाई जाने के लिए। रास्ते में शुभम पटेल को टॉयलेट लगा, तो रास्ते में टॉयलेट करने लगा, पीछे से ओमनी व्हाइट कलर की कार आई और उसको खींच के उसने बैठा लिया। नहीं तो क्या लगता है, किसी से कोई रंजिश वगैरह? हमारी ना गांव में किसी से रंजिश है, ना यहाँ किसी से रंजिश है। कितना बच्चे का उम्र कितनी थी? 14 साल। कब से यहाँ पे रहना है आपको? 2018 से। कोई फ़ोन वगैरह आया? नहीं, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। पुलिस अपना काम सक्रियता से कर रही है। पुलिस को सूचना किसने दी? हमारे बड़े बच्चे ने, विनय पटेल, जो उस बच्चे के साथ में था। नहीं, वो घर पे था, वो जब छोटा वाला वहाँ गया उससे बताया है। आप लोगों को जानकारी कैसे मिली कि आपके बच्चे के साथ ही घटना? बड़े वाले लड़के ने हमको फ़ोन किया, हम पहुँच गए थे अपने भट्टे पे जहाँ नौकरी करते हैं 7:45 बजे, तो उसने हमको फ़ोन किया 7:50 पे लगभग कि पापा जो है शुभम को किसी ने वन में बैठा लिया है। अब सूचना मिलता है भैया, मौके पर पुलिस पहुंच गई है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लेकिन भैया सुखलई वाला जो साइंस स्कूल है, इनकी भैया बहुत बड़ी लापरवाही है। एक तो जंगल में स्कूल खोल रखे हैं, ऊपर से बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि कौन बच्चा कितने समय पर स्कूल आ रहा है, कितने समय पर कहां जा रहा है, कुछ ध्यान नहीं देंगे। बहुत बड़ी लापरवाही विद्यालय वालों की है, और विद्यालय वाले आराम से बढ़िया ऐसे कमरे में बैठेंगे और फीस बकायदा इकट्ठा करेंगे, कुछ हम बोल देंगे तो छाती पर आ जाएगी। यहाँ बेचारे विनय का लड़का लापता हो गया, वो भट्टे पर काम करते, दौड़ करके आओ भैया, बेचारा बहुत परेशान है। बातें तो आपने सुनी, पुलिस जांच पड़ताल करेगी। बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और स्कूल वाले हो सके तो आप भी प्रयास कीजिए कि लापता बच्चा मिल जाए। बताओ भैया स्कूल वालों की बहुत लापरवाही, देखे तक नहीं है और फोन करो तो उठाइए ना।